नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होने वाली टैबलेट कोटिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ कोटिंग एंड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं कोटिंग में और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कौन कौन से कोटिंग के पैरामीटर होते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। टैबलेट कोटिंग, आइए जानते हैं टैबलेट कोटिंग क्या होती है। टैबलेट कोटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग मटेरियल टू द एक्सटीरियर ऑफ ए टैबलेट विद द इंटेंशन ऑफ कन्फरिंग बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टी टू ए डोजेज फॉर्म ओवर द अनकोटेड वैरायटी। टैबलेट कोटिंग जो होती है वो एक प्रकार का टैबलेट के ऊपर एप्लीकेशन होता है कोटिंग मटेरियल का, कोटिंग सोल्यूशन का। उसके डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए। उसके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ाई जाती है टैबलेट के ऊपर, इस प्रोसेस को ही हम टैबलेट कोटिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग, टैबलेट कोटिंग तीन प्रकार की होती है फार्मा में, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग एंड एंटेरिक कोटिंग। फिल्म कोटिंग क्या होती है, डिपोजिशन ऑफ स्प्रेइंग मेथड ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म फिल्म ऑफ पॉलीमर फार्मुलेशन सराउंडिंग अ टैबलेट बाय स्प्रे मेथड, डिपोजिशन ऑफ ए फिल्म यूनिफॉर्म थिन लेयर किसी भी पॉलीमर की टैबलेट के ऊपर, यही फिल्म कोटिंग कहलाता है। एंड शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग में शुगर का एप्लीकेशन किया जाता है कोटिंग के ऊपर, वो भी सेवरल टाइम्स किया जाता है टू यूनिफॉर्म एंड एलिगेंट फिल्म टू प्रिवेंट अनप्लेजेंट ऑडर एंड टेस्ट, दिस इज कॉल्ड शुगर कोटिंग। इंटेरिक कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग जो होती है प्रोटेक्शन ऑफ टेबलेट को फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन इन द एसिड एनवायरमेंट ऑफ द स्टमक। स्टमक में होने वाले एसिड के एनवायरनमेंट से सेव करने के लिए इंटेरिक कोटिंग की जाती है, ताकि हमारी जो ड्रग है, जो हमारी मेडिसिन है, वो जो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के पीएच पे जाके डिसइंटीग्रेट हो। दिस टाइप ऑफ कोटिंग इज नोन एज इंटेरिक कोटिंग। सो दिस थ्री टाइप्स ऑफ कोटिंग, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग एंड इंटेरिक कोटिंग होती है। एंड शुगर कोटिंग के जो पार्ट होते हैं सीलिंग, सब कोटिंग, सिरपिंग एंड कलरिंग, पॉलिशिंग। फ्रेंड्स आइए अब जानते हैं कोटिंग के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। फ्रेंड्स ये पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं टैबलेट कोटिंग के लिए। उनमें से एक ये इक्विपमेंट है, ये कोटिंग सॉल्यूशन टैंक है, जिसमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करके कंटेन किया जाता है। एंड यहाँ से ये पाइप लगी हुई है सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ स्प्रे गन लगी होती है, ये कोटिंग का पैन है, ये एग्जास्ट लगा हुआ है और यहीं पर लगा होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यूनिट लगी होती हैं पाइपें। एंड जो पैरामीटर होते हैं कोटिंग के वो होते हैं पैन का आरपीएम, कि पैन किस आरपीएम पे घूमेगा टैबलेट डालने के बाद, और इसका टेम्परेचर कितना सेट करना है, इनलेट टेम्परेचर और बेड टेम्परेचर कितना होगा और आउटलेट टेम्परेचर कितना होगा, ये सब इस डिस्प्ले पर यहाँ पर शो होता है, जो कि सेट करना पड़ता है। ऑटोमाइजेशन प्रेशर कितना होना चाहिए ये भी सेट करना होता है, स्प्रे रेट कितना होना चाहिए, पेरिस्टाल्टिक पंप कितना होना चाहिए, गन डिस्टेंस कितना होना चाहिए टैबलेट से, ये सारे पैरामीटर जो है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकते हैं, ये सेट करने होते हैं किसी भी प्रकार की कोटिंग करने के लिए। सो फ्रेंड्स दीज ऑल पैरामीटर्स आर इम्पोर्टेंट टू कोटिंग एनी टैबलेट्स। फ्रेंड्स आइए आप जानते हैं कोटिंग प्रिंसिपल्स एंड एडवांटेज, प्रिंसिपल्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। कोटिंग हम क्यों करते हैं, टू मास्क टेस्ट, टेस्ट को मास्क करने के लिए, ऑर्डर को मास्क करने के लिए, और प्रोडक्ट को कलर देने के लिए, ड्रग मेडिसिन को कलर देने के लिए, एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ एनी मेडिसिन, एनी ड्रग, टू कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, टू इम्प्रूव अपियरेंस एंड टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एसिड एनवायरमेंट बाई इंटेरिक कोटिंग, दीज आर दी प्रिंसिपल ऑफ टैबलेट कोटिंग। एंड एडवांटेज ऑफ टैबलेट कोटिंग जो होते हैं वो इन्हेंस दी परमिबिलिटी, मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट, ऑर्डर एंड कलर ऑफ एपीआई, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इन्हेंस द एलिगेंस एंड मॉडिफाई द ड्रग रिलीज प्रोफाइल, एवॉइड साइड इफेक्ट्स एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड इंक्रीज पैकेजिंग रेट, दीज आर द एडवांटेज ऑफ कोटिंग। सो
फ्रेंड्स, दीज आर दी कोटिंग प्रिंसिपल्स एंड एडवांटेज। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कोटिंग के कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। कोटिंग के डिफेक्ट्स जो होते हैं वो स्टिकिंग एंड पिकिंग, ट्विनिंग, ऑरेंज पील इफेक्ट, टैबलेट कलर वेरिएशन, वेट गेन इशू, स्कूपिंग अप टैबलेट, टैबलेट ब्रिकेज, ब्लिस्टरिंग, ब्लूमिंग, ब्लशिंग, क्रैटरिंग, पिटिंग, चिपिंग, इरोजन, सरफेस इरोजन, लोगो फिलिंग, स्प्रे ड्राइंग, लोगो ब्रिजिंग, फिल्म पीलिंग, फिल्म क्रैकिंग एंड डिस्कलरेशन। फ्रेंड्स, दीज आर दी कोटिंग डिफेक्ट्स। फ्रेंड्स, इन कोटिंग डिफेक्ट्स को हम कैसे रोक सकते हैं और क्या कारण होते हैं इन कोटिंग डिफेक्ट्स के, आइए हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में इनके बारे में जानते हैं। स्टिकिंग एंड पिकिंग इज द टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट्स इन विच टैबलेट स्टिक विद ईच अदर आर विद अ कोटिंग पैन एंड सम पोर्शन ऑफ फिल्म इज रिमूव्ड आर पिक्ड व्हेन द टैबलेट्स आर डिटैच्ड। स्टिकिंग एंड पिकिंग का जो डिफेक्ट्स होता है उसमें दो टैबलेट एक दूसरे से चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद उसमें से कुछ पोर्शन जो होता है फिल्म का रिमूव्ड हो जाता है, पिक्ड हो जाता है, और जब हम डिटैच उनको करते हैं या छुड़ाते हैं या फिर पैन में रोटेट करते हैं, जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तब जो है उनमें से जो फिल्म कोटिंग हुई होती है वो वहाँ से सेपरेट हो जाती है, पिक्ड हो जाती है। दिस डिफेक्ट इज नोन एज स्टिकिंग आर पिकिंग डिफेक्ट्स। इनके रीजन्स क्या होते हैं? लो इनलेट एयर टेम्परेचर की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, हाई स्प्रे रेट जब होगा तब भी ये प्रॉब्लम आएगी, लो पैन की स्पीड होगी तब भी ये स्टिकिंग एंड पिकिंग का डिफेक्ट आता है। अगर स्प्रे रेट जो रहता है, जो स्प्रे होता है उसका ड्रॉपलेट साइज जो रहेगा लो रहेगा, एटोमाइजेशन एयर प्रेशर, तब भी जो है ये स्टिकिंग का और पिकिंग का डिफेक्ट आएगा, लार्ज ड्रॉपलेट साइज की वजह से और लो एटोमाइजेशन एयर प्रेशर की वजह से। द लेस सॉलिड कंटेंट इन सस्पेंशन, जब सॉलिड के कंटेंट कम रहेंगे सस्पेंशन में, ज़्यादा वाटरी रहेगा सॉल्यूशन आपका, तब भी ये जो है प्रॉब्लम आएगी स्टिकिंग की। और एयर फ्लो वॉल्यूम जब लो रहेगा उसकी वजह से भी स्टिकिंग एंड पिकिंग की समस्या आती है। आइए जानते हैं सॉल्यूशन इनके क्या क्या हो सकते हैं। इंक्रीज द इनलेट एयर टेम्परेचर, इनलेट एयर टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डिक्रीज द स्प्रे रेट एंड इंक्रीज पैन स्पीड टू रिड्यूस ड्यूअल टाइम, इंक्रीज एटोमाइजेशन एयर प्रेशर, इंक्रीज सॉलिड कंटेंट इन सस्पेंशन, इंक्रीज एयर फ्लो वॉल्यूम। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी सॉल्यूशंस स्टिकिंग एंड पिकिंग प्रॉब्लम्स। ट्विनिंग इज द टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट वेयर टैबलेट बाइंड विद ईच अदर एट द फ्लैट फेस सरफेस। ट्विनिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टैबलेट शेप ऑफ टैबलेट। ट्विनिंग का जो डिफेक्ट होता है उसमें टैबलेट एक दूसरे से बाइंड कर जाती हैं फ्लैट फेस सरफेस की वजह से। ट्विनिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शेप ऑफ टैबलेट। इनके क्या रीजन्स हो सकते हैं और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आइए जानते हैं। दिस इज कॉमनली ऑब्जर्व इन कैप्सूल शेप टैबलेट। जो कैप्सूल शेप्स की टैबलेट होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखती जाती है एंड टू हाई स्प्रे रेट ऑफ सॉल्यूशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। लो टैबलेट बेड टेम्परेचर की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, लो पैन स्पीड की वजह से, लार्ज ड्रॉपलेट साइज ड्यू टू लो एटोमाइजेशन एयर प्रेशर की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। कोटिंग सस्पेंशन कंटेंस टैकी नेचर पॉलीमर्स, उसकी वजह से भी आता है। स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस इज शॉर्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। आइए जानते हैं इनके सॉल्यूशन क्या हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। चेंज द शेप ऑफ टैबलेट, रिड्यूस द स्प्रे रेट, इंक्रीज द इनलेट एयर टेम्परेचर, इंक्रीज द पैन स्पीड, इंक्रीज द एटोमाइजेशन एयर प्रेशर, एड एंटी एडरेंस एडरेंट इन कोटिंग फॉर्मुलेशन, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टैबलेट बेड एंड कोटिंग स्प्रे गन्स। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ ट्विनिंग प्रॉब्लम्स। ऑरेंज पील इफेक्ट, आल्सो नोन एज सरफेस रफनेस, वेयर द सरफेस ऑफ द कोटेड टैबलेट इज नॉट स्मूथ,
इट इज़ नॉन ग्लॉसी एंड रिजेंबल्स द पील ऑफ एन ऑरेंज। ऑरेंज पील इफेक्ट्स में जो टैबलेट होती है उसका जो सरफेस होता है वो रफनेस हो जाता है, सरफेस स्मूथ नहीं रहता है, नॉन ग्लॉसी हो जाता है। और ये लुक्स लाइक और पील ऑफ ऑरेंज, इसलिए इसे ऑरेंज पील इफेक्ट भी कहते हैं। इनके रीजन क्या होते हैं? कोटिंग सस्पेंशन इज हाईली विस्कस। कोटिंग का जो सस्पेंशन होता है वो ज़्यादा विस्कस होने की वजह से, ज़्यादा गाढ़ा होने से वजह से ये ऑरेंज पील इफेक्ट देखने को मिलता है। एटोमाइजेशन एयर प्रेशर इज वेरी लो एंड फॉर्म्स ए लार्ज ड्रॉपलेट साइज, इसकी वजह से भी ये समस्या आती है। स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस लो होने की वजह से होता है। लो इनलेट एयर टेम्परेचर एंड टैबलेट्स आर नॉट प्रॉपरली वार्म्ड। लोकलाइज ओवर वेटिंग ड्यू टू लेस गन टू गन डिस्टेंस, द स्प्रे रेट इज वेरी हाई। दीज आर द रीजन्स ऑफ ऑरेंज पील इफेक्ट्स। सोल्यूशन इसके क्या क्या होते हैं? यूज लेस विस्कस कोटिंग सस्पेंशन, इंक्रीज एटोमाइजेशन एयर प्रेशर, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्प्रे गन्स एंड टैबलेट बेड, इंक्रीज इनलेट एयर टेम्परेचर टू इंश्योर प्रॉपर ड्राइंग, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्प्रे गन्स, रिड्यूस द स्प्रे रेट अप्लीकेशन। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ ऑरेंज पील इफेक्ट्स। टैबलेट कलर वेरिएशन, दिस टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ टैबलेट टू टैबलेट कलर वेरिएशन इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कलर कोटिंग ऑफ टैबलेट। एज द नेम इंडिकेट्स, इन द डिफेक्ट द कलर ऑफ ऑल टैबलेट्स इज नॉन यूनिफॉर्म। अनइवन कलर ऑफ टैबलेट इज द सेम बैच इज ऑब्जर्व एज टैबलेट कलर वेरिएशन। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉटलिंग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज नोन एज टैबलेट कलर वेरिएशन। नॉट यूनिफॉर्म कलर नोन एज टैबलेट कलर वेरिएशन। इनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? लो वेट गन ड्यू टू एक्सेसिव हीट। एक्सेसिव हीट की वजह से जो है, अगर कोई भी टैबलेट लो वेट गेन करती है और कोई ज़्यादा वेट गेन करती है, जिसकी वजह से जो है टैबलेट कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। लो वेट गेन ड्यू टू हाई एग्जॉस्ट ओपनिंग की वजह से भी, लो स्प्रे रेट की वजह से, वेरी लो फैन स्पीड की वजह से प्रॉब्लम आती है। हाई स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस, द नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड स्प्रे गन्स इज लेस, द पैन बफल डिजाइन इज नॉट गुड। एंड इसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? रिड्यूस द इनलेट एयर टेम्परेचर, रिड्यूस द एग्जॉस्ट ओपनिंग, इंक्रीज स्प्रे रेट, इंक्रीज पैन स्पीड, रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन गन टू टैबलेट बेड, एंड यूज नंबर ऑफ स्प्रे गन्स अकॉर्डिंग टू पैन साइज, एंड इम्प्रूव कोटिंग पैन बफल डिजाइन टू इम्प्रूव रोटेशन एंड मिक्सिंग। दीज आर द सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट टैबलेट कलर वेरिएशन, वेट गेन प्रॉब्लम इन टैबलेट कोटिंग। द वेट गेन प्रॉब्लम इज द टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इन विच द स्टैंडर्ड टैबलेट कोटिंग वेट इज नॉट अचीव आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोटिंग प्रोसेस। इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? लो वेट गेन टू ड्यू टू एक्सेसिव इनलेट एयर टेम्परेचर हीट, लो वेट गेन ड्यू टू हाई एग्जॉस्ट ओपनिंग, हाई इनलेट एयर फ्लो वॉल्यूम, लो स्प्रे रेट, इंक्रीज टैबलेट बेड टेम्परेचर, इंक्रीज स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस, एटोमाइजेशन एयर प्रेशर इज टू हाई, जिसकी वजह से भी ये वेट गेन की प्रॉब्लम्स आती है। सो दीज आर दी रीजन्स टू वेट गेन प्रॉब्लम। एक्सेसिव इनलेट टेम्परेचर की वजह से एंड लो वेट गेन ड्यू टू हाई एग्जॉस्ट ओपनिंग की वजह से, हाई इनलेट एयर फ्लो वॉल्यूम की वजह से भी ये समस्या आती है। इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? रिड्यूस द इनलेट एयर टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर को कम करने से प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। रिड्यूस द एग्जॉस्ट ओपनिंग, रिड्यूस द इनलेट एयर वॉल्यूम, इंक्रीज द स्प्रे रेट ऑफ, रिड्यूस द टैबलेट बेड टेम्परेचर, रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन स्प्रे गन्स टू टैबलेट बेड, रिड्यूस द एटोमाइजेशन एयर प्रेशर। तो दीज आर द वेट गेन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। स्कूफिंग ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट। स्कूफिंग इज द टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट वेयर ब्लैक आर ग्रे स्पॉट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ वाइट आर लाइट कलर टैबलेट ड्यू टू द
एब्रेजन इफेक्ट ऑफ पैन स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन कोटिंग सस्पेंशन। रीजन क्या क्या होते हैं इनके? हाई कंसंट्रेशन ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन कोटिंग फार्मुलेशन यूजुअली अकर इन वाइट और लाइट कलर टैबलेट, लॉन्ग प्रोसेसिंग आवर ऑफ द कोटिंग प्रोसेस, स्लो पैन स्पीड रिजल्टिंग इन स्लाइडिंग रेदर देन थम्बिंग, लो पैन लोड एंड हाई टेम्परेचर की वजह से स्कूपिंग की प्रॉब्लम आती है। इनके सोल्यूशन क्या क्या होते हैं? रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को कम किया जाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पैसिवेट द पैन वॉल्स टू अवॉइड इंट्रैक्शन, चेंज द कलर ऑफ टैबलेट, ट्राई टू रिड्यूस कोटिंग प्रोसेस टाइम, कोटिंग प्रोसेस टाइम को कम करने से समस्या दूर हो सकती है। इंक्रीज पैन स्पीड, लो पैन अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड कैपेसिटी एंड रिड्यूस टेम्परेचर। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ टू प्रिवेंट स्कूपिंग ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट्स। टैबलेट ब्रेकेज, इट इज द टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इन विच टैबलेट ब्रेक ड्यूरिंग द कोटिंग प्रोसेस। द टैबलेट मे ऑल्सो ब्रेक ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग फ्रॉम द कोटिंग पैन एज वेल। फ्रेंड्स, इनके रीजन क्या होते हैं टैबलेट ब्रिकेज के? ये प्रॉब्लम जो है ये कंप्रेशन से रिलेटेड भी हो सकती है। यदि टैबलेट की हार्डनेस लो होगी तब ये टैबलेट जो है कोटिंग पैन में लोड करते वक्त और अनलोड करते वक्त टैबलेट ब्रिकेज की प्रॉब्लम्स आती हैं। पैन स्पीड इज वेरी हाई, जब पैन की कोटिंग पैन की स्पीड जो है ज़्यादा तेज होने की वजह से टैबलेट ब्रेकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। द बैफल डिजाइन इज नॉट एक्यूरेट, लो स्प्रे रेट, कोर टैबलेट कैप आर लैमिनेट ड्यूरिंग टम्बलिंग, कोटिंग सस्पेंशन कंटेन्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, ऑटो लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ टैबलेट। दीज आर द रीजंस ऑफ टैबलेट ब्रेकेज एंड इसका सोल्यूशन क्या है? इम्प्रूव कोर टैबलेट हार्डनेस ड्यूरिंग कंप्रेशन, कोर टैबलेट की जो है हार्डनेस को जो है इम्प्रूव किया जाए, एंड रिड्यूस पैन स्पीड, इम्प्रूव बैफल डिजाइन, इंक्रीज स्प्रे रेट, चेंज टैबलेट शेप एंड इम्प्रूव बाइंडर क्वांटिटी, इंक्रीज सॉलिड कंसंट्रेशन एंड मैनुअली ऑफलोड द टैबलेट्स विद ग्रेट केयर, सावधानी से जो है टैबलेट को लोडिंग अनलोडिंग की जाए। तो दीज आर द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट टैबलेट ब्रेकेज। ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग इज द टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट वेयर द फिल्म इज डिटैच फ्रॉम द टैबलेट सरफेस एंड फॉर्म्स अ ब्लिस्टर। इट रिजेंबल्स ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन हैविंग ए स्मॉल बबल लाइक अपीयर्स ऑन द टैबलेट सरफेस। टैबलेट के जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो है बबल्स लाइक अपीयरेंस होता है जिसको हम ब्लिस्टरिंग कहते हैं। एंड इसके जो रीजन्स होते हैं वो होता है ओवर हीटिंग में रिजल्ट इन एंट्रैपमेंट ऑफ गैसियस और वेपर और अंडर द फिल्म, हाई टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द इलास्टिसिटी एंड एडहेशन प्रॉपर्टीज, दिस में अकर ड्यू टू एक्सेसिव हीट एट द ड्राइंग स्टेज। सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं इसके? अवॉइड ओवर हीटिंग द टैबलेट ड्यूरिंग द कोटिंग प्रोसेस, यूज मिल्ड हीटिंग ड्यूरिंग द कोटिंग प्रोसेस, यूज मॉडरेट टेम्परेचर और टैबलेट ड्राइंग। तो दीज आर द ब्लिस्टरिंग डिफेक्ट्स सोल्यूशंस। ब्लूमिंग, ब्लूमिंग इज ऑल्सो नोन एज अ डल फिल्मिंग और फेडिंग ऑफ टैबलेट कलर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ टैबलेट एट हाई टेम्परेचर आफ्टर कोटिंग। रीजन क्या होते हैं? यूज अ हाई प्लास्टिसाइजर कंसंट्रेशन कोटिंग सस्पेंशन, यूज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट प्लास्टिसाइजर, दीज आर द रीजन्स ऑफ ब्लूमिंग। एंड सोल्यूशन क्या क्या है इसके? रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर, यूज हायर मॉलिकुलर वेट ऑफ प्लास्टिसाइजर, दीज आर द सोल्यूशंस ऑफ ब्लूमिंग। ब्लशिंग, ब्लशिंग इज द टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट वेयर वाइट स्पैक्स आर विजिबल ऑन द सर्फेस ऑफ कोटेड टैबलेट्स आर कोटेड टैबलेट हैजीनस इज ऑब्जर्व्ड। रीजन्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेशन ऑफ पॉलीमर पार्टिकल्स ऑन फिल्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यूज ऑफ सॉर्बिटॉल इन कोटिंग सस्पेंशन कंटेनिंग HPMC, HPC एंड MC रिजल्ट्स इन अ पॉलीमर जिलेशन विच रिजल्ट इन ब्लशिंग। सोल्यूशन क्या क्या होते हैं इनके? डोंट ओवर हीट द टैबलेट ड्यूरिंग द कोटिंग प्रोसेस एंड अवॉइड द यूज ऑफ सॉर्बिटॉल विद मेंशन्ड पॉलीमर्स,
These are the solution of blushing. Film peeling. Peeling is the tablet coating problem in which the layer of film is peeled from the tablet surface. पीलिंग जो होती है फिल्म पीलिंग किसी भी कोटिंग टैबलेट के प्रॉब्लम्स के रीजन क्या होते हैं ओवर हीटिंग ऑफ द टैबलेट्स पुअर कोरोडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज कोटिंग सस्पेंशन हैज लेस क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर पुअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्म दीज आर द रीजन्स ओवर हीट पुअर कोरोडेशन प्रॉपर्टी या कोटिंग सस्पेंशन हैज लेस क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर पुअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म एंड सोल्यूशन क्या होते हैं इसके डोंट ओवर हीट द टैबलेट इंप्रूव कोर फार्मुलेशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर यूज फार्मुलेशन विद इम्प्रूव्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ दीज आर द सोल्यूशन ऑफ फिल्म पीलिंग डिफेक्ट्स विच आर अकर्ड इन कोटिंग टैबलेट चिपिंग इज इरोजन टैबलेट चिपिंग इज ऑल्सो नोन एज एज इरोजन इज द टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट वेयर द एज ऑफ द टैबलेट आर डैमेज वर्न आउट आर चिप्ड एंड फिल्म इज ऑल्सो डेंटेड एट द एज रीजन्स क्या होते हैं इनके पैन फिलिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड कैपेसिटी आर टू लो वेरी हाई पैन स्पीड वेरी लो स्प्रे रेट इन अप्रोप्रिएट बैफल डिजाइन रिजल्टिंग इन हाई टम्बलिंग फोर्स कोटिंग सस्पेंशन कंटेंस लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स फिल्म स्ट्रेंथ इज वेरी लो शार्प टैबलेट इज हाई प्रायोरिटी ऑफ कोर टैबलेट्स ओल्ड आर वर्न आउट टैबलेट टूलिंग सो दीज आर द रीजन्स पुराने पंच लगे होने की वजह से कोर टैबलेट की प्रायोरिटी का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से टैबलेट का जो साइज है शेप है उसकी इज शार्प होने की वजह से फिल्म की स्ट्रेंथ जो है वेरी लो होने की वजह से और जो उसमें सस्पेंशन यूज कर रहे हो कोटिंग के लिए उसके कंटेंट्स जो है कम होने की वजह से सॉलिड कंटेंट्स कम होने की वजह से या फिर बफल की डिजाइन अच्छी नहीं होने से जो है हाई टम्बलिंग फोर्स पड़ रहा हो उसकी वजह से भी टैबलेट चिपिंग एंड इजरोजन की प्रॉब्लम आती है या फिर जो है आपका जो है स्प्रे रेट बहुत कम हो और पैन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से जो है टैबलेट चिपिंग एंड इजरोजन की प्रॉब्लम्स आती है इनके सोल्यूशन क्या होते हैं यूज करो अप्रोप्रिएट टाइप्स का कोटिंग पैन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी रिड्यूस पैन स्पीड इंक्रीज स्प्रे रेट यूज एक्यूरेट बफर डिजाइन टू इंश्योर प्रॉपर रोटेशन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड कंटेंट इंप्रूव कोटिंग फार्मुलेशन चेंज द टैबलेट कंप्रेशन टूलिंग डिजाइन ब्रेक द शार्प एज बाय रोटेटिंग टैबलेट्स इन द पैन बिफोर स्प्रेइंग इंप्रूव फ्रायबिलिटी बाय रिविजन ऑफ प्रोसेस और फार्मुलेशन यूज न्यू टूलिंग फॉर कंप्रेशन सो दीज आर दी सोल्यूशंस विच आर प्रिवेंट टैबलेट चिपिंग एंड इजरोजन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कोटिंग एंड आफ्टर कोटिंग सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम